डियर लर्नर वेलकम टू द सममी वन स्टॉप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल टाइप ऑफ अकाउंटिंग जीएसटी टी डी एस टैली एक्सेट्रा सो द टॉपिक इज जी एस टी आई टी सी सेट ऑफ रूल ओल्ड वर्सेज न्यू इस वीडियो में हम इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है सेट ऑफ करने का रूल क्या है पुराना मैकेनिज्म कैसे काम करता था जो कि आज कहीं कहीं पे अभी भी काम करता है और ये नया इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे काम करता है दोनों में डिफरेंस क्या है इससे हमारे कैश फ्लो पे कैसा कैसा इफेक्ट पड़ता है वो सारी डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट सो मोटे मोटे तौर पे आप ये समझो इनपुट टैक्स क्रेडिट वो होता है जब आप कोई इनवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई चाहे वो गुड्स का हो गया चाहे वो सर्विस का हो गया वेदर यू आर बाइंग एनी काइंड ऑफ गुड्स और सर्विस एनी सो इट मींस अगर आपने परचेज किया चाहे गुड्स या सर्विस तो आपने उसके ऊपर जो टैक्स आपने सप्लायर को पे किया बिकॉज वो रेगुलर सप्लायर था और सप्लायर ने इनवॉइस में जीएसटी चार्ज करके दिया था और वो जो जीएसटी अमाउंट आपने सप्लायर को पे किया है वेदर इट इज सी जी एस टी एस जी एस टी और आई जी एस टी दैट बिकम्स योर इनपुट टैक्स क्रेडिट सो इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब सिंपल हमने परचेस किया जो टैक्स पे किया वो हमें एज अ इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा कहलाएगा बट इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल भी हो सकता है वो इन एलिजिबल भी हो सकता है ये चीजें हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर ली हैं कि वो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हो सकता है वो इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट भी हो सकता है तो दोनों में डिफरेंस हमें ऑलरेडी पता है तो अगर मोटे-मोटे तौर पे देखा जाए तो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट हमें देता है जब हम कोई भी अपनी टैक्स लाइबिलिटी फॉर किसी भी मंथ की जब टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें हमने फॉर द मंथ जो भी इनपुट टैक्स हमारे पास होता है वो भी एलिजिबल इनपुट टैक्स टैक्स क्रेडिट उसको हम अपना पर्टिकुलर से क्या कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो टैक्स लाइबिलिटी फॉर द मंथ इज आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी फॉर द गिवन मंथ लेस एलिजिबल और अलावेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जाम्पल के तौर पर आपने पांच हजार रुपए का जो है आपका आउटपुट टैक्स निकल रहा है दैट इज आपकी लाइब्रेटी अगर फाइव थाउजेंड निकलती है और द सेम टाइम आपने थ्री थाउजेंड रुपीज आपने परचेज के टाइम पे चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विस का हो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पे किया था और सप्लायर ने आपके पे को पे कर चुका है. तो ऐसे नेट टैक्स लाइबिलिटी इज टू थाउजेंड हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही समझा था कि जो है हमें वैल्यू एड पे ही टैक्स पे करना है और जो फाइनल कंज्यूमर होता है वह सारा का सारा टैक्स उसका बेयर करता है तो ये ये हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो हम पहले समझते हैं कि ये ओल्ड इनपुट टैक्स कैसे वर्क करता था तो पहले हम मोटे मोटे तौर पे ये ओल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है उसको हम समझेंगे देखो इनपुट टैक्स रूल समझने से पहले आप ये समझो कि आप जो परचेस करते हो वो आपका इनपुट है आप जो सेल करते हो वो आपका आउटपुट है तो गवर्नमेंट कहती है कि आप आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर सकते हो पुराने मैकेनिज्म के हिसाब से जहां पे अगर आपको एस जी एस टी की लाइबिलिटी पे करनी है दैट इज आउटपुट आउटपुट सी जी एस टी पे करना है आउटपुट आई जी एस टी पे करना है तो सबसे पहले आपको इंटर एडजस्टमेंट करना होगा यानी कि इनपुट सी जी एस टी माइनस इन आउटपुट सी यानी कि इनपुट आउटपुट को एडजस्ट करो लेकिन सेम हेड के साथ सी को सी से पहले एडजस्ट करो एस को एस से पहले एडजस्ट करो आई को आई से एडजस्ट करो एंड देन आफ्टर अगर बचता है तो क्रॉस एडजस्टमेंट अलाउड है बट CGST, SGST आपस में कभी सेट ऑफ नहीं होते ये पुराना मेथड है तो यहां पे देखो CGST को CGST किया अगर बैलेंस बचा तो आईजीएसटी से आईजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट किया अगर बैलेंस बचा तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के साथ भी एडजस्ट हो सकता है तो ये एक केस हमने यहाँ पे देखा तो ये पुराना मैकेनिज्म वर्क कैसे करता था इसका एक केस स्टडी इसका एक लाइव एग्जाम्पल हम एक्सल में वर्किंग के साथ देखते हैं चलिए हम एक्सल में चलते हैं इसी एग्जाम्पल को समझते हैं डिटेल में ये एक्सल है यहां पे मैंने एग्जाम्पल ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है अब इस एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें यहां पे देखना होगा कि ये जो हमारा डेबिट बैलेंस है यानी कि इनपुट सीजीएसटी है और ये हमारा आउटपुट सीजीएसटी सो ये आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और ये हमारा इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी है यानी कि ये जो तीन चीजें हैं इसको हमने एट द टाइम ऑफ मेकिंग परचेस हमने ऑलरेडी पे कर दिया सप्लायर को और ये हमने सेल्स पे बायर से कलेक्ट किया हुआ है तो हमारे जो लैबिलिटी बनती है आउटपुट की टोटल है फोर्टी इस 49000 की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने से पहले दैट इज टोटल पेबल से हम 47500 क्या कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं तो हमारे पॉकेट पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा हमें नेट कितना पे करना है दैट इज फाइनल पेबल आ रहा है 1500 बिकॉज़ पेबल ज्यादा है पेबल ज्यादा है दैट इज 49000 47500 लेस किया तो हमारे पास जो नेट फ्लो बचा वो 1500 का पेबल अमाउंट है तो बट पेबल है बट क्या पेबल है सीजीएसटी जी पेबल है एसजीएसटी जी पेबल है आईजीएसटी जी पेबल है कौन से हेड में हमें पे करना है कौन से हेड में हमें चालान जनरेट करना है वो चलिए हम समझते हैं पुराने मैकेनिज्म के हिसाब से तो ये मैंने टेबल कुछ इस तरह से बनाया हुआ है दैट इज पहले मैं आउटपुट आईजीएसटी का अमाउंट फिल करता आउटपुट आईजीएसटी अमाउंट है एटीन थाउजेंड मैंने यहाँ पे एटीन थाउजेंड रुपीज फिल किया सीजीएसटी कितना है फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और एस जी एस टी मेरा है फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सो ये मेरा आउटपुट सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी पुराने मैकेजमे तो so, पुराने कहता था कि आउटपुट से माइनस करो इनपुट तो आउटपुट में से इनपुट आई जी एस टी कितना ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड सीजीएसटी है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिमिलरली एस जी एस टी भी है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड से इनपुट एंड आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हमेशा इक्वल ही होते हैं बट यहाँ पे इनपुट में यहाँ पे इनपुट की बात कर रहा हूं मैं तो इनपुट में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि फॉर द करंट मंथ ये करंट मंथ की लैबिलिटी है कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पिछले महीने का इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस आपके पास पड़ा होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो तो वो चाहे तो आई में बैलेंस होगा वो सी में बैलेंस भी हो सकता है वो एस में बैलेंस हो सकता है दैट डिपेंड केस टू केस मैं अभी फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर ये ले रहा हूं कि यहाँ पे आपका इनपुट ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड आई जी एस टी सी जीएसटी एस जी एस टी ट्वेल्थ थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो ऐसे केस में आपकी लैबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनपुट करना है that is with तो यहां पे, आपकी बनती है। यहां पे output आपका कम है इन केस ऑफ IGST. तो यहाँ पे आपका फिगर जो आता निगेटिव यानी कि पेबल नहीं बल्कि आपको, आपको रिसेबल है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो यहाँ पे रिसबल हो गया बट CGST में थ्री थाउजेंड पेबल आ रहा है उसी तरीके से एसजीएसटी में आपका थ्री थाउजेंड पेबल है तो अल्टीमेटली तो फिफ्टीन हंड्रेड ही पे करना है बट ये 1500 मुझे CGST, SGST, किस हेड में पे करना है वो तो श्योर sure नहीं हूं मैं तो वही चीजें हम यहां पे पता कर रहे हैं अब हमारे पास देखो पेबल थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड सीजीएसटी एंड एस जी एस टी अब अब रूल ये कहता है कि जो पेबल अमाउंट आपके पास आया आपके पास आई का बैलेंस बच गया है तो ये आई का आई इनपुट के साथ एडजस्ट होने के बाद एडजस्ट होने के बाद जो आपके पास आई जी का अमाउंट बचा है इससे आप सी जी एस टी की लाइबिलिटी एस जी एस टी की लाइबिलिटी क्या कर सकते हो डिस्चार्ज कर सकते हो तो मेरे पास बैलेंस कितना है आई टी सी का फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आई टी सी का बैलेंस मैं दिखाता हूं यहाँ पे मेरे पास फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड है सबसे पहले मैं क्या लेस कर सकता हूं मैं इससे

तो मेरा फाइनल पेबल क्या आता है मेरा फाइनल पेबल आएगा सीजीएसटी से मैंने सीजीएसटी माइनस कर दिया जीरो मैंने ये एसजीएसटी से एसजीएसटी सॉरी आईजीएसटी माइनस कर दिया जो एसजीएसटी की लाइबिलिटी थी उसमें से आईजीएसटी का इनपुट यूज किया तो भी मेरा पेबल बचता है वो अंडर द हेड ऑफ एसजीएसटी। तो हमें स्टार्टिंग से ही पता था कि हमें 1500 पे करना लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सी जी एस टी में एस जी एस टी में आई जी एस टी में तो ये तो सबसे पहला इंटर एडजस्टमेंट होने के बाद फिर क्रॉस एडजस्टमेंट हुआ तो आई जी एस टी का आई टी सी बैलेंस बचा हुआ था यही आई टी सी बैलेंस को इसी आई टी सी बैलेंस को हमने सबसे पहले सी जी एस टी में यूज किया लेवल टू थ्री थाउजेंड थी था। तो उतना यूज कर सकते थे विच एवर इज लोअर अगर आईटीसी बैलेंस पच्चीस सौ होता तो मैं यहां पे पच्चीस सौ ही लेता हजार माइनस पच्चीस हो तो पांच सौ पेबल आता और यहाँ पे तीन हजार में से कुछ भी माइनस नहीं होता यहाँ पे पूरा का पूरा तीन हजार पेबल आता है यानी एग्जाम्पल मान लो यहां पे अगर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बैलेंस बचता तो मैं यहां पे कितना यूज कर पाता सिर्फ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और यहाँ पे कुछ यूज कर पाता नहीं तो मेरा पेबल हो जाता 3500 थर्टी फाइव हंड्रेड तो मैं इसको चेंज करता हूँ फोर्टी फाइव हंड्रेड और यहां पे मैं यूज करता हूँ थ्री थाउजेंड और यहाँ पे मेरा यूज होगा फिफ्टीन हंड्रेड ये एज अ रफ वर्क बनाया हुआ है इसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग भी है मेरे पास मैं आपको थोड़ी देर में प्रॉपर फॉर्मेटिंग दूंगा लेकिन जस्ट एक्सप्लेनेशन के तौर पे मैंने आपको ये दिखा दिया कि स्टेप वन में पहले इंटर एडजस्टमेंट स्टेप टू में आपका क्रॉस एडजस्टमेंट लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में कभी एडजस्ट नहीं होते हैं याद रखना सी का इनपुट एसजीएसटी के आउटपुट के साथ कभी एडजस्ट नहीं होगा आई जी एस टी सबके साथ हो सकता है लेकिन सी जी एस टी एस जी एस टी कभी आपस में एडजस्ट नहीं होते चाहे वो पुराने रूल की बात कर लो चाहे वो नए रूल की बात कर लो अब ये तो मिल गया अपने को पेबल इतना आ गया तो क्या अब ये जो पेबल है एस जी एस टी का उसकी एंट्री हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे सी एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका अलग अलग हो सकता है लोगों का लेकिन सबसे पहले जो एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए मैं टैली में दिखाऊंगा मान लो ये बैलेंस शीट है आपके पास बैलेंस शीट करंट लाइब्रेटी में वही फिगर सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी की फिगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं है। यानी कि वही फिगर है। तो तरीके लोगों के अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जो कॉमन प्रैक्टिस होती है जो कॉमन मेथड होता है एंट्री एडजस्टमेंट करने का वो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ दैट इज ओल्ड मैकेनिज्म के हिसाब से तो इस केसेस में आपको सिंपल क्या करना चाहिए इस केस में आपको करना चाहिए एग्जाम्पल मैं डेट ले रहा हूं लेट से थर्टी ऑफ अप्रैल को एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करूंगा थर्टीएत ऑफ अप्रैल जर्नल मैं यहां एक लेजर क्रिएट करूंगा सी जी एस टी पेबल जैसे आप वैट में क्रिएट करते हो अगर आपने वैट किया है तो आपने वैट में भी वैट पेबल का लेजर क्रिएट करते थे सी जी एस टी पेबल अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्स सी जी एस टी पेबल उसी तरह से मैं एस जी एस टी पेबल लेजर बनाता हूं मैं लेजर पहले बना के दिखा दू उसके बाद मैं करना क्या चाहता हूं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेट टैक्सर में आई जी एस टी पेबल का लेजर बना दिया आई जी एस टी पेबल अंडक्स जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स तो मेरे जितने भी आउटपुट और इनपुट बैलेंसेस है देखो यहाँ पे ये यह मेरे आउटपुट है तो ये मैं आउटपुट बैलेंसेस को सारा का सारा उस पेबल लेजर में ट्रांसफर कर दूंगा क्योंकि इससे करने से क्या होगा ये बेस्ट मेथड है प्रैक्टिस करने का इससे क्या होगा हर महीने कितना इनपुट आउटपुट का आया आप वो इजी वे से रिकनसाइल कर सकते हो अगर आपने यही लेजर को आपने यूज किया फॉर द पेमेंट एंड आगे कंटिन्यू करोगे तो आपका मंथली जीएसटी रिकनसलेशन करना आपके लिए टफ हो जाएगा सो एज अ प्रैक्टिस अगर इफ यू आर स्टार्टिंग न्यू अगर आप न्यू फाइनेंशियल ईयर से या फिर बीच में से कहीं से भी स्टार्ट करना चाहो आप आराम से कर सकते हो लेकिन मैं बीच में एक चीज और भी ऐड करते हुए चलो बहुत सारे लोग इनपुट सीजीएसटी आउटपुटी का मेथड फॉलो नहीं करते हैं अगर फॉलो करते, भी है तो रेट करते हैं मैं कहता हूं रेट वाइज जरूरत नहीं है जब 1 हमने रिटर्न फाइलिंग देखा उसमें देखा रेट वाइज डिटेल ऑलरेडी आती है तो हमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं है सिंपल मैथड रखो इनपुट सी जी एस टी एंड आउटपुट सी जी एस टी अब हमें ये आउटपुट सी जी एस टी जो लेजर है हम ट्रांसफर करेंगे ये पर्टिकुलर जो लेजर हमने क्रिएट किया डेट होगा 30th ऑफ अप्रैल ये हमारा होगा आउटपुट सीजीएसटी बैलेंस है 15500 उसी तरीके से हमारा होगा आउटपुट एसजीएसटी 15500 बाय आउटपुट आईजीएसटी ये है 18000 इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा सीजीएसटी पेबल सीजीएसटी पेबल 15500 टू एसजीएसटी पेबल 15500 और टू ई जी एस टी पेबल फिफ्टी एटीन थाउजेंड क्या हो गया मेरा बींग आउटपुट टैक्स ट्रांसफर टू पेबल लेजर राइट तो ये आपने क्या किया ये आपने यहां से देखो ये आउटपुट आपका यहां से निकल गया अब आप ये आपके पेबल लेजर खड़े हो गए तो इस लेजर से क्या होगा अब यहाँ पे इनपुट आता है तो इस इनपुट को भी तो मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा इस पेबल में बिकॉज पेबल को मैं इनपुट के साथ एडजस्ट कर सकता हूं इंटरहेट एडजस्ट हो सकता है राइट तो इसको भी सिमिलरली आप क्या करो हर महीने आप ट्रांसफर कर दो हर महीने की लास्ट डेट पे सिमिलर एंट्री रिकॉर्ड करो जर्नल एंट्री थर्टी ऑफ अप्रैल अब आपका आएगा सी जी एस टी पेबल डेबिट लेकिन अमाउंट कितना था हमें याद नहीं है कोई बात नहीं याद नहीं तो एक रुपया डाल दो यहाँ पे बाई एस जी एस टी पेबल अमाउंट याद नहीं था इनपुट वाले टाइप में कितना है तो मैं ये एक रुपया डाल रहा हूं यहां पे अब यहां पर आ जाएगा इनपुट सी जी एस टी कितना दिख रहा है ट्वेल्व फोर नाइन सेवन तीन रुपये यानी कि ट्वेल्व फाइव हंड्रेड यही फिगर था यहां पे देखो जीरो हो गया टू इनपुट सी जी एस टी ट्वेल्व फाइव हंड्रेड फिगर मुझे नीचे दिखाई दे रहा है इनपुट आई कितना है ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड अब यही फिगर यहां पे जाके चेंज कर दो सी जी एस टी पेबल में ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इनपुट अमाउंट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और यहां पर आ जाएगा ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड अब देखो ये पहला स्टेप पूरा हो गया बींग आई टी सी अमाउंट एडजस्टेड टूअर्ड्स पेबल ये जाके आपका पहला स्टेप पूरा हो गया अब आप बैलेंस शीट देखोगे तो देखो यहां पे पेबल पेबल और ये आपका इनपुट बैलेंस यही बाद एंट्री के बाद वहां है। right है? तो हमने क्या किया था इस पेबल को हमने सी और एस के साथ एडजस्ट किया था राइट right? वही एंट्री हमें अब क्या करनी है रिकॉर्ड करनी है दर इज स्टेप वन की एंट्री रिकॉर्ड हो गई अब स्टेप टू की एंट्री इंटर एडजस्टमेंट की तो हमें आउटपुट जो हमारा सी जी एस टी पेबल है तो पूरा यूज कर लिया हमने थ्री थाउजेंड लेकिन हमने एस जी एस टी जो पेबल था हमारा वो कितना हमने सिर्फ वर्किंग के हिसाब से फिफ्टीन हंड्रेड और ये हमारा आई जी एस टी जो पेबल था उसके साथ ये पूरा का पूरा नॉक ऑफ सी बैलेंस यहां पर क्या हो गया जीरो बिंग इंटर सॉरी क्रॉस एडजस्टमेंट ऑफ आई जी एस टी अगेंस्ट गेंस्ट सी जी एस टी एंड एस डन आप चाहे पुराना मेथड करो चाहे नया मेथड करो दोनों मेथड से आपको एंट्री ऐसे ही रिकॉर्ड करनी है तो ये जाके आपका फाइनल एस जी एस टी पेबल यानी कि अब कोई भी आपसे पूछे आप जब मंथ का आप रिपोर्ट ओपन करोगे जैसे कि आप एग्जांपल मान लो आप बैलेंस शीट में आते हो बैलेंस शीट में गए करंट लाइब्रेटरी ओपन करोगे तो आप आराम से देख सकते हो कि फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मुझे क्या पे करना है सिर्फ और सिर्फ क्या पे करना है एस जी एस टी अगर आपने इनपुट आउटपुट सीजीएसटी एस जी एस टी अगर इस तरीके से एडजस्ट नहीं किया तो आप कंफ्यूज रहोगे कि मुझे चालान किसका रेस करना है जब हम चालान वाले टॉपिक में जाएंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि हम वहां पे डिटेल में देखेंगे कि चालान रेस कैसे करते कौन से हेड में हमें कहाँ पे चालान रेस करना है तो ये चालान तभी रेस कर पाओगे जब हमें कंफर्म क्लियर कट आईडिया होगा कि ये हमारा पेबल क्या है तो आर थ्री बी फाइल करने से पहले आपको ये एडजस्टमेंट करना होगा इस तरीके से एडजस्टमेंट करने के बाद आपको फाइंड आउट करना होगा कि यह मेरा पेबल है यही पेबल आपके वर्किंग जीएसटीआर के वर्किंग के साथ क्या होना चाहिए मैच होना चाहिए तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया यही चीज जब हम जीएसटीआर आर थ्री बी फाइल करेंगे तो भी हम शॉर्ट लेवल पे उसको वापस वहां पर कवर करेंगे तो आई होप फर्स्ट मैथड कैसे काम करता है वो चीजें हमने यहाँ पे देख ली और समझ ली तो ये हमारा पेबल फिगर निकल गया बट ये पुराना है आज के दिन भी कहीं कहीं पे यूज होता है तो अब बात करें तो करंट मेथड क्या है करंट मेथड क्या है न्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट रूल नया वाला क्या कहता है पुराना मेथड इजी था नया मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अब ये न्यू मेथड लाया क्यों था न्यू मेथड को लाने का रीजन ये था कि पुराने मेथड में सबसे पहले इंटर एडजस्टमेंट हो जाता था इंटर एडजस्टमेंट होने के बाद क्या होता था कि आई नॉक ऑफ पूरा का पूरा नहीं होता था आई का क्रेडिट बैलेंस कभी पूरा नॉक ऑफ नहीं होता था बिकॉज अगर आप आईजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस ले लो और वो बच जाए तो और सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट एडजस्टमेंट होने के बाद पेबल आता ही नहीं है तो आई जीएसटी का क्रेडिट बैलेंस वैसे ही पड़ा होता था तो इससे क्या होता था कि जो गवर्नमेंट स्टेट स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू ट्रांसफर करने में काफी प्रॉब्लम्स आती थी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन में काफी इश्यूज आते थे तो गवर्नमेंट ने यह सोचा कि चलो ठीक है मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं यानी कि उन्होंने क्या सोचा कि अब ये आई जो क्रेडिट बैलेंस है सबसे पहले इसको एडजस्ट करो भूल जाओ इंटर एडजस्टमेंट सबसे पहले आई के जो बकेट है इसको खाली करो आई तो जी के इनपुट टैक्स क्रेडिट बकेट को उठाओ तीन बकेट रहेंगे आपके पास आई का क्रेडिट सी का क्रेडिट एस का क्रेडिट तो गवर्नमेंट कहती है सबसे पहले आप कौन सा बकेट उठाओ सबसे पहले आप आई का बकेट उठाओ पहले वाले मेथड में क्या तीनों बकेट एक साथ उठा सकते थे तीनों बकेट को दूसरे वाले बकेट यानी कि आउटपुट वाले बकेट में उसका पानी डाल सकते थे लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है इस केस में यह कहता है गवर्नमेंट की सबसे पहले आई का बकेट उठाओ और आउटपुट आई आउटपुट सी जी एस टी और आउटपुट एस बकेट का पानी वो तीनों आउटपुट का, का, पानी खाली नहीं हो जाता है तब तक आप सारे के सारे बकेट भरो। एक बार खाली हो गया। खाली तो पहले टाइम पे भी हो सकता है यानी कि आई जी एस टी का इनपुट मैंने आई जी एस टी से लाइबिलिटी कर दिया जीरो हो गया फाइन तब उसके बाद आप दोनों बकेट उठा के दोनों में भर सकते हो लेकिन जब तक कि आई का क्रेडिट जीरो नहीं हो जाता यानी कि आई का जब तक बकेट खाली नहीं हो जाता तब तक आप तब तक दोनों बकेट यानी कि सी क्रेडिट और एसजीएसटी क्रेडिट को यूज नहीं कर सकते हो सिंपल मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया कि आई क्रेडिट समझो एक बकेट है तो उस बकेट के तीन बकेट आपके पास है आई का सी जी एसजीएसटी तीनों में पानी भरा हुआ है और उसी तरह से आपको तीन आ, मतलब आ, जो जगह है जहाँ पे पानी आपको डालना है तो आउटपुट सीजीएसटी है आउटपुट एसजीएसटी आउटपुट आईजीएसटी है लेकिन तीनों जो जगह है पानी डालने के लिए वहाँ पर सबसे पहले आप पुराने मेथड में क्या करते थे उस बकेट का पानी उसी में डालते थे इनपुट वाला बकेट आउटपुट वाले बकेट में डाल देते थे लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है सबसे पहले यहां पे आपको आईजीएसटी का बाल्टी उठाओ दैट इज बकेट उठाओ और तीनों को को तीनों जगहों पहले फील करो तो सबसे पहले क्या फॉलो करना पानी तो बच गया तो सीजीएसटी उसके बाद बच गया एस जी एस टी अगर मान लो पानी पूरा फुल हो गया तो आईजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस खत्म पानी खत्म बस इसके आगे बढ़ जाओ पूरा एडजस्टमेंट हो गया डन क्योंकि पानी पूरा का पूरा यूज होने के बाद भी बच गया है बच गया तो आगे का कहानी खत्म यहाँ पे आगे बढ़ेंगे नहीं लेकिन यहाँ पे अगर आई का पानी है, हम लोगों ने यूज करने के बाद क्रेडिट यूज करने के बाद अगर सी जी एस अभी भी बचा हुआ है तो आप सी जी एस का बकेट यूज करो और सी जी और एसजीएसटी के बकेट से उस पानी को यूज करो तो कहने का मतलब एग्जाम्पल मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया सिंपल ये समझो आई को सबसे पहले जीरो करना है जीरो हो गया तो बाकी का हम उसको यूज कर सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड है कोई बात नहीं इसको हम एक एक्सल वर्किंग के साथ समझते बहुत इजी है बहुत इजी तरीके से एक्सल वर्किंग के साथ हम इसको समझते हैं चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है ये वर्किंग कैसे होता है फिर इसका मैं एक फॉर्मेट भी आपको मैं शेयर करूंगा आप डाउनलोड कर सकते हो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं यह वही एग्जाम्पल है डिट्टो पूरा का पूरा वही एग्जाम्पल है जहां पे हमें पता है कि नेट हमारा फ्लो क्या है पंद्रह सौ है नेट फ्लो हमें मालूम पड़ रहा है कि पंद्रह सो है राइट पुराने मैथड में हमने देखा कि हमें पंद्रह सौ पे करना है तो क्या नए मैथड में भी पंद्रह सौ ही पे करना है और एस जी एस टी के अंदर पे करना है कुछ कमेंट नहीं कर सकते कुछ कमेंट नहीं कर सकते यहाँ पे थोड़े से स्टेप देखोगे तो स्टेप वन टू थ्री तीन अलग अलग स्टेप है तो सबसे पहला जो स्टेप है कि आप आई जीएसटी का इनपुट यानी कि जो ये इनपुट है इसको जीरो करो आपके पास कितना है ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड आपके पास आईटीसी है राइट ये देखो टेबल पूरा का पूरा ऑटोमेटिक फिलअप होते जा रहा है जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये मैंने एक वर्किंग ऐसे ही बनाया है लेकिन इससे भी बेस्ट एक मेरे पास एक्सेल यूटिलिटी फाइल है जो आपको मैं शेयर करूंगा आप उसको यूज कर सकते हो आप अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो कभी भी आपको इतना पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन खाली प्रोसेस समझना है जानना है कि कैसे वर्क करता है लेकिन इतना हमेशा हर हर टाइम पे आपको इतनी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है आपके पास इनपुट बैलेंस है ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड अब आप इस ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड बैलेंस को सबसे पहले कहाँ पे यूज करोगे आउटपुट आई जी एस सी में तो आउटपुट आई जी एस सी कितना एटीन हंड्रेड है राइट कि थाने पे जब यूज करने के बाद हम देखो एक एक उसका यूज करते इंटर यूज कर लिया था लेकिन अब ऐसे केस में यहाँ पे ऐसा नहीं है अब ये फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड जो बचा हुआ है तो इसको मैं यूज करूंगा आउटपुट सी जी एस टी को यानी कि इसके साथ यूज करना है मुझे तो कितना बैलेंस लैबिलिटी कितनी है मेरी है तो फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड बैलेंस में से आउटपुट सी जी एस टी मैंने फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड किया तो मेरे पास बैलेंस क्या बचा आई जी एस टी का कुछ भी नहीं जीरो यानी कि आई जी एस टी का इनपुट जाके मेरा खत्म हो जाता है यहाँ पे इसी बीच खत्म हो जाता है लेकिन आउटपुट ए जीएसटी अभी पूरी तरह से बचा हुआ है अब जब जाके ये जीरो हो गया मेरा अब जब जाके ये जीरो हो गया तब अब मैं दूसरा बकर उठाऊंगा दैट इज सीजीएसटी का और एसजीएसटी का अब मेरा आता है स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 में तो ये पता करो कि आपके पास बैलेंस पेएबल कितने हैं आउटपुट आईजीएसटी बैलेंस पेएबल होगा क्या नहीं पेएबल होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ पेएबल बचता ही नहीं है नेक्स्ट uh, आपके पास देखो यहाँ पे आउटपुट टैक्स कितना था आप ये देख लो आउटपुट टैक्स था आपके पास आईजीएसटी का ट्वेंटी टू ये समझने के लिए जस्ट वर्किंग दिखा रहा हूं आपको मैं आउटपुट था मेंंड्रेड और आउट सॉरी आपके पास आउटपुट इतना है आपका आउटपुट एसजीएसटी इतना है ये आपका आउटपुट था ये आपका आउटपुट था ये आपका आउटपुट था आपने पूरा का पूरा यहाँ पे यूज कर लिया तो ये आउटपुट आईजीएसटी वाले टेबल को छोड़ी दो इसको डिलीट ही करता हूं मैं बिकॉज़ पे आउटपुट का मतलब नहीं बचता यहाँ पे पूरा का पूरा एडजस्ट हो चुका है सी जी एस टी फिफ्टी था उसमें तो दो पेबल बचा है इस दो पेबल को यूज करने के लिए हम लोग सी जी एस टी का इनपुट यूज करेंगे और एसजीएसटी का इनपुट ये आईजीएसटी का पूरा बकेट खाली है स्टेप नंबर थ्री हमें आइडेंटिफाई होगा कि कितना पेबल है स्टेप नंबर थ्री सी का पेबल इलेवन थाउजेंड सी का इनपुट कितना ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अगर मैं ट्वेल्व थाउजेंड मेरे पास इनपुट है थाउजेंड फाइव हंड्रेड पेबल है. है मेरे पास, तो पास बैलेंस फिर भी बच जाएगा बिकॉज निगेटिव फिगर आ रहा है बिकॉज ग्यारह ही तो पे कर सकता हूं मैं इलेवन थाउजेंड इज पेबल बैलेंस इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो आई डो नॉट अंडर सी जी एस टी बल्कि मेरे पास क्या बच जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट पंद्रह बच जाएगा दैट इज राइट और SGST मेरा पेबल है एस जी एस टी में ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सॉरी इनपुट कितना है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो मुझे SGST में कितना पेबल आ गया थ्री थाउजेंड अल्टीमेटली जो है मेरा ये देखो 3000 1500, ultimately मुझे ही पे करना चाहिए लेकिन नए रूल में प्रॉब्लम सी जी एस टी का इनपुट बच गया पंद्रह लेकिन इस सी जी एस टी के इनपुट को आप एस जी एस टी के आउटपुट से एडजस्ट नहीं कर सकते हो नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कर सकते इसका मतलब ये आपको थ्री थाउजेंड रुपीज गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे ये क्या प्रॉब्लम है भाई मुझे तो मोटे मोटे तौर पे पंद्रह सौ पे करने थे मुझे अब सिस्टम दिखा रहा है थ्री थाउजेंड ये मैंने वर्किंग की है लेकिन पोर्टल जो है ना आपको डिट्टो यही दिखाएगा आप पोर्टल पे चले जाओ अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको ये फिगर फिल करके दिखा देता हूँ पोर्टल बाई डिफॉल्ट आपको थ्री पे करने के लिए दिखाएगा अगर आप देखना चाहो तो मैं लाइव करके दिखाता हूँ पोर्टल थ्री ही दिखाएगा नए रूल के हिसाब से चलिए यही चीज मैं आपको पोर्टल पे दिखाता हूँ मैं फिलअप करके दिखाता हूँ ये वर्किंग मैंने की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए लेकिन अमाउंट डिराइव मैंने अपने मन से नहीं किया जो एज पर रूल के हिसाब से वही डिराइव किया मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं पोर्टल पे। ये है होम पेज यहां पर चलते हैं जीएसटी का लॉग करते हैं मैं आपको एक कोई भी फिगर लेके दिखा दूंगा कैसे होता है रिटर्न डैशबोर्ड मैं किसी भी मंथ का रिटर्न फाइल करता हूँ लेट से एग्जाम्पल सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर जिस मंथ का ये पेंडिंग होगा मैं आपको खाली फाइल नहीं करूँगा मैं आपको खाली दिखाऊँगा प्रोसेस करके लेट से अक्टूबर जी एस टी भी फाइल्ड हो चुका अक्टूबर का लेट से मैं नवंबर का प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ तो फाइल नहीं कर सकता हूँ एक काम करते यहाँ पे नहीं दूसरे पार्टी का लॉगिन इन करते तो ये दूसरे पार्टी का मैंने लॉगिन किया है लेट्स से रिटर्न डैशबोर्ड यहाँ पे मैं कोई भी फाइल करता हूँ लेट से मैं सितंबर लेता हूँ सितंबर फाइल्ड है अक्टूबर का लेट से अक्टूबर ओके फाइन अक्टूबर इज पेंडिंग फाइन आई कैन आई कैन प्रिपेयर वो ये मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि वो फिगर जो डिराइव किया मैंने वर्किंग के हिसाब से वो कैसे होता है ये त्रिवी में हम लोग और डिटेल में समझेंगे जब त्रिवी फाइलिंग करने जाएंगे ना तो ये डिटेल में समझूंगा हर एक टेबल का मतलब क्या है उस टेबल में हम इसको और डिटेल में समझेंगे मैं जस्ट एक फिगर यहाँ पे अपलोड करके दिखा रहा हूँ ये टेबल को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये आउटपुट मेरा आईजीएसटी वाला लेजर है आउटपुट आई कितना था मेरा एटीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आई गेस एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड था एटीन थाउजेंड ये आउटपुट तो मैंने ये कन्फर्म कर दिया ये मेरा इनपुट मैं टेबल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जस्ट टेबल एक्सप्लेन हम लोग थ्री बी वाले पार्ट में कवर करेंगे जहाँ पे मैं थ्री बी रिटर्न फाइलिंग दिखाऊंगा इनपुट मेरा है इनपुट है दैट इज मेरा आई जी एस टी का ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड और ये मेरा इनपुट है ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड जस्ट मैं दिखा रहा हूं कि पोर्टल कैसे करेगा आपने देखो ये एलिजिबल आई टी से इनपुट डिक्लेयर कर दिया आपने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया इसको सेव करता हूं मैं मैं जीएसटी आर थ्री भी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं प्रोसीड टू पेमेंट सी यहाँ पे सिस्टम ने ऑटोमेटिक इनपुट एडजस्ट किया हुआ है अब यहाँ पे पेबल देखो कितना आ रहा है आपको जस्ट uh, इग्नोर करो लेट फीस को इग्नोर करो लेट फीस इज सेवन हंड्रेड यूटिलाइज कैश बैलेंस फाइव रुपीज फाइव रुपीज को छोड़ दो सेवन हंड्रेड यानी कि आप समझो कि छह सौ सात सौ माइनस पांच सात सौ यानी कि सिक्स नाइन्टी फाइव को इग्नोर करो सिक्स नाइन्टी फाइव को इग्नोर करना है तो आपका पेबल कितना दिखा है यहाँ पे थ्री थाउजेंड सी आपका ये पेबल कितना आ गया यहाँ पे अदर देन एस जी एस टी में कितना पेबल है आपको थ्री थाउजेंड पेबल है इट मींस अगर मैं ये फाइल कर देता हूं तो मेरे पास देखो यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया ये ये यहाँ ये टैब देखो पे कौन सा टैब है ये सी जी एस टी का टैब है कितना बैलेंस बच गया आपके पास इनपुट टैक्स पंद्रह सो पंद्रह सो का इनपुट बैलेंस होने के बावजूद भी मुझे सी जी एस टी का बैलेंस होने के बावजूद भी मुझे थ्री थाउजेंड टैक्स पे करना पड़ेगा वो भी कैश में पे करना पड़ेगा तो so, नया मेथड के हिसाब से आपको एस जी एस टी की लाइब्रेटी तो पे करनी ही करनी है लेकिन आप सी जी एस टी जो है वो बैलेंस एस जी एस टी के लाइब्रेटी के साथ एडजेस्ट नहीं कर सकते हो सी दिस दिस इज द प्रॉब्लम दिस इज द प्रॉब्लम तो क्या आप इसका सॉल्यूशन क्या इसका कुछ सॉल्यूशन है क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन है क्या मतलब मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी क्वेरीज आई कि अरे क्या करें कि ये तो मेरे पास इनपुट टैक्स बैलेंस है तो उसको मैं नेक्स्ट मंथ में यूज करूंगा लेकिन ये तो छोटा अमाउंट है अब आप सोचो उस केस में जहां पे बड़े बड़े फिगर होते हैं जहां पे अमाउंट लैक्स में होते हैं तो अगर वहां पे ये अमाउंट मान लो का अमाउंट बचता है कि मेरे पास बैलेंस होने के बावजूद मुझे एट लैक्स पे करना पड़ रहा है तो सोचो मेरे कैश फ्लो पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे कैश फ्लो पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा कोई बात नहीं काम करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सिस्टम ने जो दिखाया वो दिखाने दो मुझे प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास एक एक्सल यूटिलिटी है मैं जो कि आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूं उस एक्सल यूटिलिटी के थ्रू इस रूल को इस न्यू रूल को हम बाईपास कर सकते हैं बाईपास कर सकते कहने का मतलब यह हो गया हम इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं जैसे कैसे मैं आपको यह दिखाता हूं अब आप समझो ये कि आपको तो सिंपल आ, आई का बैलेंस खाली करना राइट या आई का इनपुट है आई जी एस टी का इनपुट बैलेंस आपको ये नॉक ऑफ करना राइट तो आप एक काम करो यहाँ पे ये चेंज कर दो इसको ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड कर दो मैं इसकी वर्किंग मेरे पास पूरे की पूरे टूल है मैं आपको जहां पे दिखाऊंगा ये ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इसमें से आप कितना एडजस्ट कर लोगे दिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक कैलसी निकालते हैं देखते हैं ये इसकी वर्किंग में आपको एक टूल दूंगा जिसके थ्रू आप आराम से कर सकते हो फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज इक्वल टू थ्री थाउजेंड मैं इसको चेंज करके यहाँ पे थ्री थाउजेंड कर दूंगा सी मेरा जो टैब है ना वो ग्रीन होना चाहिए और यहाँ पे मेरा जो अभी बैलेंस बचा है ये मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे फिफ्टीन हंड्रेड कर दूंगा फिफ्टीन हंड्रेड सी मेरा आई जी एस टी बैलेंस जो है वो जीरो फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस फिफ्टीन हंड्रेड और यहां से मैं यूज कर सकता हूं 12500 आईटीसी अब देखो मेरा पेबल कितना आ गया यहाँ पे और यहाँ पे सारे टैब मेरे क्या हो गए ग्रीन हालांकि एक्चुअल रिटर्न डाटा नहीं है मैं यहाँ पे सेट अप करूंगा ऑटोमेटिक सेट अप हो जाएगा ये यानी कि सेव करने का तरीका है सिस्टम आपको एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश करता है और यकीन मानो ऐसा रिटर्न फाइलिंग मैं कितनी बार कर चुका हूं बहुत बार हमने ऑलरेडी किया हुआ है और सिस्टम अकॉर्डिंग टू सिस्टम अकॉर्डिंग टू लॉ बिकॉज उन्होंने खुद प्रोविजन में बोला है कि मेन परपज क्या है आपका आई जी का बैलेंस जीरो करो तो जीरो कर दिया हम लोगों ने जरूरी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा सी में यूटिलाइज करू मैं मैथर्ड तो वही समझता है कि अपने को कॉमन सेंस तो वही हो गया कि आई जी एस टी को आई जी एस टी फिर सी जी एस टी फिर एस जी एस टी कॉमन सेंस तो वही है लेकिन मैंने सोचा कि कॉमन सेंस तो वही है तो क्यों ना मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दू आईजीएसटी का जो बैलेंस बचा पूरा का पूरा यूज कर सी जीएसटी एस में सिंपल और यहां पे मैंने यूज कर लिया मेरा पेबल आ गया खत्म कहानी ये लाइव डेटा है मैं इसलिए यहां पे कर नहीं सकता और सारे टेबल देखो ग्रीन में सारे टेबल ग्रीन में कहानी खत्म तो ये जो वर्किंग है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकती के, so के बाद एंट्री भी दिखा दूंगा टैली में इसकी एंट्री कैसे करनी है सो so दैट आप इसको एकदम श्योर हो सकते हो बिकॉज अमाउंट तो वही पेबल आ गया आपका पंद्रह सो ही पेबल आ गया तो ऑब्वियस बात हो जो एंट्री हमने पीछे देखी टैली में

तो ये पेबल आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो यूटिलिटी टूल मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखाता हूँ जिसको मैंने एज अ वर्किंग शीट बना के रख दिया है यहाँ पे जो भी फिगर आपको आ रही है यहाँ पे कुछ भी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है आपको सिंपल आपको यहाँ पे आउटपुट आई कितना था एटीन जस्ट फिगर देखो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ ये वर्किंग में कैपिटल ये आईटीसी बैलेंस बचेगा सीजीएसटी में तो यहाँ बचेगा एस जी एस टी में बचेगा तो यहाँ पे बचेगा आई जी एस टी में बचेगा तो यहाँ पे अगर कुछ पेबल आता है तो यहाँ पे पेबल मुझे दिखाना है यहाँ पे पेबल मेरा फिगर मिल जाएगा आउटपुट आई जी एस टी एटीन थाउजेंड आउटपुट सी जी एस टी फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आउटपुट आई जी एस टी फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इनपुट इनपुट में मेरा कितना 500 था ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड था मेरा ये इनपुट में, में हमेशा याद रखना अगर आपका उतना ही अमाउंट है तो उतना ही अगर कुछ ओपनिंग बैलेंसेस है तो यहाँ पे ऐड कर लेना आपको इसी फिगर में और ये आपका था ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये था आपका ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सी ये टेबल ऑटोमेटिक फील हो चुका है आपको पेबल कितना दिखा रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेबल दिखा रहा है वो भी किस में दिखा रहा है एसजीएसटी की लाइबिलिटी में सिर्फ पंद्रह सो का पेबल आ रहा है बस दैट्स इट <coughs> ये टूल के थ्रू हमें ये ऑटोमेटिकली मालूम पड़ गया कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पंद्रह सो ही पे करना है इसके अलावा हमें पे करने की जरूरत नहीं है तो यही फिगर देखो यहाँ पे थ्री थाउजेंड जो मैंने डिवाइड किया 1500 हंड्रेड देखो ये आई जी एस सी एटीन थाउजेंड थ्री थाउजेंड फिफ्टीन हंड्रेड यही फिगर तो मैंने पोर्टल पे यहाँ पे आपको सामने फिगर डाल के दिखाया एटीन थ्री फिफ्टीन हंड्रेड राइट और ये देखो ट्वेल्थ थाउजेंट फाइव हंड्रेड थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये देखो ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेल्ल फाइव यानी कि यही फिगर के अगर आपको यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सको यहाँ पे फिगर क्या डालना है तो इस यूटिलिटी को यूज करो ये फिगर आपको दिख रही है ये जो ब्लू में है यहाँ पे भी ब्लू हाईलाइट नहीं किया मैंने ये भी ब्लू में ये भी ब्लू में ये जो ब्लू में फिगर दिख रहे हैं आपको वही सिक्वेंस के हिसाब से सीधा फिगर वहां पे डाल देना है और का पेमेंट करके सुकून की नीच सो जानी है आपको कोई भी कैश फ्लो पे इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन अगर यही चीज मैं पीछे जाके देखू पुराने मेथड से सॉरी नए मेथड में जो है नए मेथड में ऑटोमेटिक कैसे कैलकुलेट करता है तो नए मेथड में जाओगे तो यहाँ पे बाई डिफॉल्ट थ्री थाउजेंड आपकी लेबिलिटी बन जाती है सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड न्यू इनपुट टैक्स क्रेडिट

उसको हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट और इसी को आप पेबल के साथ एडजस्ट कर लोगे और जैसे ही आप लेजर ओपन करोगे फॉर द मंथ कि अप्रैल महीने में कितना टैक्स पे करना मंथल हंड्रेड ठीक है पे करना था पे कर दिया पे कैसे करते हैं वो हम थ्री बी वाले रिटर्न फाइल में देखेंगे एंड चाल भी वहां पे हम समझेंगे तो थ्री बी रिटर्न फाइलिंग से पहले ये सारी सारी एक्टिविटीज है जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनपुट टैक्स होता क्या है एडजस्ट कैसे करते हैं उसकी वर्किंग एनवायरमेंट क्या है तो ये हो गया यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट दैट इज इनपुट सेट ऑफ रूल ओल्ड मैथड न्यू मैथड और इसकी एंट्री टैली में कैसे करनी है एंट्री टैली में कैसे करनी है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया अब इसमें से कोई क्वेरी पूछ सकता है कि अच्छा ये बताओ मुझे ये तेरह सो यहाँ पे जो तीन हजार और ये पंद्रह सौ का यूज हुआ है तो इसका कैसे करना है कुछ नहीं सिंपल आप आपको तो फाइनल फिगर ये दिखाना है कि मेरा पेबल पंद्रह सो है तो यहाँ पे जो सेकेंड एडजस्टमेंट एंट्री मारी है हम लोगों ने

एक्सप्लोर uh, करने के लिए बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है और इससे होता है क्या है कि हमारा जो सी जी एस टी आई जी एस टी इनपुट है ना वो एक्मिलेट होता रहता है जमा होता रहता है और ऐसे केस में होता है क्या है कि हम उसको नेक्स्ट मंथ में अगर एडजस्ट करते हैं तो लेकिन इस महीने का क्या हमारा तो कैश चला गया ना यानी कि हमारे वर्किंग कैपिटल पे हमारे कैश फ्लो पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है हालांकि आपको समझने की देरी है इसके लिए बाईपास का मेथड भी दिया हुआ है दैट इज एज पर रूल हम लोग कोई रूल नहीं तोड़ रहे हैं एज पर रूल में ही है कि आप इसको ये कि इसको एडजस्ट करो आप इसको बाईपास के थ्रू कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो लेकिन मेन पर्पस है कि आई जी एस का आई टी सी जीरो होना चाहिए सो लेट क्लोज दिस टॉपिक ना हो गई अगले टॉपिक में हम बाकी जो अपने पेंडिंग टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे थैंक यू